हेलो फ्रेंड्स, आपको बताने जा रहे हैं स्कंध किसे कहा जाता है। अंश के चैप्टर में स्कंध का बड़ा महत्व है। स्कंध को इंग्लिश में स्टॉक कहा जाता है, ठीक है, STOCK स्टॉक। पेपर में बहुत पूछता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको जानकारी के लिए पहले बता दें, कंपनी अंशों के निर्गमन से पैसा प्राप्त करती है, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बाद में बांटती है। समझिएगा, कंपनी हमारी है, मान लीजिए हम अंश को निर्गमन करेंगे तो लोग खरीदेंगे, लेकिन खरीदेंगे वो भी पूरा पैसा मिल जाए, पूरा का मतलब फुली पेड अप हो जाए। पूरा पैसा जब मिल जाता है तो कंपनी क्या करती है, रकम को हस्तांतरित करने के लिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है, जिसे स्कंध कहते हैं। आपको ये जानकारी होनी चाहिए, पेपर में कैसे लिखना है ना, तो पेपर की भाषा में आपको स्कंध से आशय हेडिंग डाल लेना है, लिखना। जब कंपनी को स्कंध के अंशों पर पूर्ण भुगतान प्राप्त हो जाता है, लिखना है, जब कंपनी को स्कंध पर अंशों पर पूर्ण भुगतान प्राप्त हो जाता है, जब कंपनी को स्कंध के अंशों पर पूर्ण भुगतान प्राप्त हो जाता है, तब उन्हें स्कंध में बदला जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखना है, स्कंध का आशय चुकता अंशों की एकत्रित रकम से है। स्कंध का आशय चुकता अंशों की एकत्रित रकम से है। ध्यान दीजिएगा, स्कंध का मतलब होता है जो चुकता अंश होते हैं, पेड अप कैपिटल, मतलब कि जैसे हम लोगों ने 100 रुपये का अंश निर्गमन किया, 1000, तो कितना मिलना चाहिए, 100 × 1000 कितना, 1 लाख। 100 रुपये का एक अंश 1000, 1 लाख रुपया पूरा मिल जाए। चुकता अंशों को ही आप स्कंध में बदल सकते हैं, ठीक है, जिसे 10 लाख है ना, जिसे 1 लाख है, बाद में टुकड़ों में बांटा जाता है। बाद में किस में बांटा जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा जाता है, ताकि अंश की रकम को हस्तांतरित किया जा सके, अंश को ट्रांसफ़र किया जा सके, मतलब पैसे को ट्रांसफ़र किया, समझिएगा, पूरा लिख दिया है मैंने एकदम अच्छे से, इसको अपनी कॉपी में आप लिख लीजिएगा। अब आपको ध्यान देना है, स्कंध में तभी बदला जाएगा जब पूर्ण दत्त अंश हो, कौन से अंश हो, पूर्ण दत्त फुली पेड अप अंश हो, तभी बदला जाएगा। इसको अपनी कॉपी में लिख लेना है। और इसकी कुछ विशेषताएं हैं वो भी बता देते हैं। अपनी कॉपी में आप लिखिएगा विशेषताएं, नंबर एक लिखना है, पूर्ण दत्त अंशों को ही किस में बदला जा सकता है, स्कंध में
बदला जा सकता है। पूर्णतः अंशों को ही कहाँ बदला जा सकता है? स्कंध में बदला जा सकता है, याद रखिएगा। उसके बाद लिखना है आंशिक दत्त को नहीं कर सकती। कोई भी कंपनी प्रारंभ में स्कंध नहीं निर्गमित कर सकती है। कोई भी कंपनी प्रारंभ में स्कंध नहीं निर्मित कर सकती है, ठीक है। उसके बाद पार्षद अंतर नियम में अधिकार प्राप्त होना चाहिए तभी कंपनी निर्गमित कर सकती है। चौथा नंबर, समान भागों में विभाजित करने की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी टुकड़ों में बांटा जा सकता है। जैसे अंश होता है उसी कैटेगरी का उतने ही रुपए का अंश होता है, किसी भी टुकड़े में बांट सकते हैं। इतना अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ये मुख्य बिंदु मैंने आपको बताए।